सभी विद्यार्थी इस क्लास के माध्यम से सिंटैक्स के कुछ टर्म एग्जांपल के माध्यम से सीखेंगे कि सिंटैक्स का मतलब होता है सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, एरर स्पॉटिंग। ठीक है, इतनी चीजें आप समझ लीजिए, एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ठीक है, सेंटेंस करेक्शन, यहां पर की एडिटिंग और रिमूविंग शब्द भी इसमें आता है। तो इतनी चीजों को आपको ध्यान में रखना है, लेकिन हम चूंकि यहां सिंटैक्स के माध्यम से केवल आपको सेंटेंस करेक्शन बताने चल रहे हैं, सभी विद्यार्थी ये जो एग्जांपल है पहले इसको देखें, पढ़ें। देखिए आपको बताया गया सिंटैक्स एक बहुत लंबा टॉपिक है, इसमें सारे रूल्स आपको काम में आने चाहिए। अभी एक वीडियो आपको हम भेजेंगे जो बेस्ड होगा आर्टिकल पर आधारित, आर्टिकल की वीडियो को आप लोग देखिएगा, उसके बाद इस सिंटैक्स का जो एग्जाम्पल है इसको आप करते हैं तो फिर उसमें देखते हैं कि क्या चीजें आपको मिलती है, कितना आसान हो जाता है आपको सिंटैक्स को सॉल्व करना। देखिए अब हम यहां पर पढ़ते हैं द वर्चू इज इट्स ओन रिवार्ड। ठीक है, अब देखिए वर्चू मतलब गुण लिखा गया है, इज का सब्जेक्ट है मतलब नाउन का कार्य कर रहा है। अब हम पहचानते हैं किस प्रकार का नाउन है वर्चू, आपका पता है ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है, चूंकि व्यक्ति का गुण होता है तो ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले यहां पर आर्टिकल लगाया गया है, आर्टिकल द, तो पहली जगह हमारी यहां पर गलती हो गई और अर्थात इसको द वर्चू के स्थान पर यहां पर हमको आर्टिकल रिमूव करना है और ये हमारा हो जाएगा वर्चू इज इट्स ओन रिवार्ड, आपका ये करेक्ट हो गया सेंटेंस। अगर हम देखिए पहले ही पहचान लिए वर्चू हमारा क्या है, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल द लगाया गया है और ये आर्टिकल नहीं लेता है और ये सेंटेंस हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, और इसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, वर्चू इज इट्स ओन रिवार्ड। यही चीज आपके कंपटीशन में देता, ऐसे चार टॉपिक में डिवाइड कर देता, नो एरर, आपको एरर फाइंड आउट करना होता तो वर्चू की आप क्या कर लेते, यही पर आपकी गलती थी। चलिए ऑनेस्टी ऑफ राम कैन नॉट बी डाउटेड, ठीक, ऑनेस्टी ऑफ राम कैन नॉट बी डाउटेड। देखिए पहले ही सेंटेंस बेस्ड आधारित आपका दूसरा सेंटेंस दे दिया गया, इसको आपको क्या करना है, करेक्ट करना है। देखिए ऑनेस्टी ऑफ राम कैन नॉट बी डाउटेड, यहां तक सेंटेंस हमारा सही है, राम हमारा सब्जेक्ट है, इसके साथ आप और ऑनेस्टी, देखिए ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन यहां पर है, यहां पर हमने कहा ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल नहीं प्रयोग की जाती, लेकिन यहां ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन आपका आर्टिकल लेगा क्योंकि स्पेसिफिक सेंस हो गया, ये ऑनेस्टी सामान्य बात नहीं है बल्कि राम की ऑनेस्टी है, इसलिए इसको हमको करेक्ट करना होगा, हम ऐसे लिखेंगे द ऑनेस्टी ऑफ रॉम कैन नॉट बी डाउटेड, क्लियर हो गया। जबकि ऐसा कभी आता है सेंटेंस द ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी, तो गलत हो जाएगा, वहां पर ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी हो। चलिए अगले था कि ताज इज ए यूनिक बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, संसार की, देखिए वर्ल्ड के पहले आर्टिकल का लगाया गया, बिल्डिंग यूनिक लिखा है, लेकिन अब हम जानते हैं ताज, अगर ताजमहल लिखा जाता है तो आर्टिकल द लगता है, लेकिन ताज के पहले आर्टिकल द नहीं लगेगा, इसका करेक्ट सेंटेंस ऐसा लिखा जाएगा ताज इज, देखिए यूनिक लिखा गया, यूनिक यह का प्रोनाउंसिएशन देता है, एन यहां पर गलत है, यहां पर क्या हो जाएगा अ, और यहां पर क्या हो जाएगा यूनिक बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, आपका ये हो गया ताज इज अ यूनिक बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, क्लियर हो गया आपका ये सेंटेंस बना। आयरन इज एन यूजफुल मेटल, देखिए आयरन के पहले आर्टिकल द लगा सकते हैं क्या, नहीं लगा सकते क्योंकि मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन के पहले ए एन भी नहीं लगेगा, चलिए आयरन सिंगुलर है इज लगाया गया यह सही है, लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं सीधे सीधे यूजफुल है, यह का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है एन दिया है, यहां पर किसका होगा ए, तो इसका हम सही क्या लिखेंगे, आयरन इज अ यूजफुल मेटल, आपका करेक्ट क्या हो गया, एन के स्थान पर आपने ए किया, यहां पर आपकी गलती थी, क्लियर हो गया। अगला सेंटेंस हमारा है डोंट ट्राई टू मेक फूल ऑफ मी, आप इसको ऐसे रहने दीजिए, डोंट ट्राई लगा दीजिए, प्रयास मत करिए, टू मेक मतलब बनाने का, देखिए इन्फिनिटिव बना है, देखिए फूल, फूल क्या है एडजेक्टिव, लेकिन जब एडजेक्टिव के पहले हम कोई आर्टिकल लगा देते हैं तो वो नाउन का काम करने लगता है,
ठीक है, जैसे पुअर के पहले अगर हम द पुअर लगा दिए मतलब गरीब लोग हो गया, ठीक है। मी के लिए फुल लगाना है, मी सिंगुलर होता है, इसलिए हमने क्या लगाया, अ फुल, मतलब मुझे एक मूर्ख मत बनाओ, ठीक है, आप मी। आपका ये सेंटेंस क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो सभी विद्यार्थी इस टाइप के एक्सरसाइज को करेंगे, आपको आर्टिकल की वीडियो भेजी जाएगी, सभी विद्यार्थी आर्टिकल को डेफिनेट इनडेफिनेट आर्टिकल को ध्यान से पढ़ेंगे तथा उसके रूल्स को अपनी बुक से पढ़िए और उसके बाद एक्सरसाइज करिए। थैंक यू फॉर दिस क्लास।